आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएचएसएल 24 के अंदर पूछे गए सारे के सारे फिलर्स वाले क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं सीएचएसएल के एरर्स की और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियो भी बना चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है उसको देख लेना। आ जाइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की। जैसे ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप से आंसर सोचेंगे, वरना वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन दिखाऊं फिर मैं 20 सेकंड ऐसे खड़ा रहूं, कोई पॉइंट नहीं है उसका, है ना। क्वेश्चन देखते ही वीडियो पॉज करना, जैसे ही वापस प्ले करेंगे मैं आपको डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। आ जाइए, इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी। दोनों ही देशों में हमारे पास लीडर्स हैं डैश एबिलिटी के, ठीक है। अच्छा जी, कैसी एबिलिटी के? आप देखेंगे फिलर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आप 95% के करीब जो क्वेश्चन है वो वोकैब बेस्ड आपको नजर आएंगे, है ना। देखो जरा, कंपेलिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ कंपेलिंग है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली है, कैप्टिवेटिंग है, एंथ्रॉलिंग है। अलमाइटी का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान, भगवान के लिए जनरली अपन यूज़ करते हैं, ओमनीपोटेंट, हैविंग कंप्लीट पावर, है ना। अच्छा जी, पावरफुल आपको पता ही है। अब सुनने में तो आपको हो सकता है सारे अच्छे लगे, अलमाइटी एबिलिटी है उनके पास, पावरफुल एबिलिटी है उनके पास, कंपेलिंग एबिलिटी है उनके पास, लेकिन इनके अंदर से कौन सा वर्ड बेस्ट है वो अपने को चूज करना है, हाँ कि ना। ऑब्वियस बात है, देखो अलमाइटी का तो मतलब हो जाएगा सर्वशक्तिमान, जिसके पास मतलब दुनिया की सारी शक्तियां हैं, कोई लॉजिक बैठेगा? नहीं जी। कंपेलिंग जनरली अपन किसी ऐसी चीज के लिए लगाते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कंपेलिंग एबिलिटी है उसके पास। पावर तो अपने आप में, ये पावरफुल और एबिलिटी तो सुपरफ्लोस टाइप के नहीं हो जाएंगे साथ में, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल एबिलिटी है, बहुत हटके, बहुत यूनिक एबिलिटी है उनके पास। नेक्स्ट पाइए, अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे बेस्ड सवाल है। यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। कल मैंने सिर्फ एक डैश खाया था अपने डिनर के रूप में, एप्पल का एक डैश खाया था अपने डिनर के रूप में। अब देखने की कोशिश करिए जरा, ये वाला पी आई आर वाला पेयर तो होता है जोड़ा, है ना, पेयर ऑफ शूज आपने सुना होगा, किसी चीज का जोड़ा यानी यूनिट ऑफ टू। अच्छा जी, पी आर ई वाला पेयर का मतलब क्या होता है? टू कट ऑफ आउटर लेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज की आउटर लेयर को छीलना कह सकते हो, आउटर लेयर को निकालना। पी आई आर वाला क्या होता है? अ स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट ओवर और इन टू वॉटर। आपने देखा होगा जैसे जहां से बोट में आप बैठते हो, एक टाइप का स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा पानी में होता है और सरफेस से अटैच किया जाता है ताकि बोट रुक सके और लोग वहां से चढ़ सकें, उसको बोलते हैं एक टाइप का स्टैंड कह सकते हो आप, है ना। जैसे बस स्टैंड होता है ऐसे बोट का जो स्टैंड होगा उसको ये बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को ये बोलेंगे। ये वाला जो पियर होता है फ्रूट होता है ना, येलो और ग्रीन फ्रूट। अब यहाँ पे आप क्या खाओगे? छीलना खाओगे? अच्छा जी, वो बोट स्टैंड को खा जाओगे, बोट स्टैंड ऑफ एप्पल की। ये पियर, ये तो खुद ही फ्रूट है, पियर ऑफ एप्पल का क्या मतलब बनेगा? पियर ऑफ यानी मैंने दो एप्पल खाए थे डिनर के रूप में कल। हाँ जी, इट टुक फोर आर स्टेट, 4 घंटे लगे मुझे पूरे लगातार टू डैश द डील विद द रीजनल कंपनी। रीजनल कंपनी के साथ उस डील को डैश करने के लिए मुझे 4 घंटे लगे। अब ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके होंगे भैया रीडिंग से सॉल्व, है ना। जैसे आपने सुना होगा चुटकुला सुनाने के लिए कौन सी वर्ब बेटर है? ही टोल्ड मी अ जोक, ही क्रैक्ड अ जोक, क्या बोलें? ही सेड अ जोक, क्या बोलें? आपको पता है ना क्रैक्ड अ जोक बनेगा। ऐसे किसी ने गलती करी तो क्या बोले? ही डिड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक, क्या बोले? ही मेड अ मिस्टेक। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर यूज होती हैं, ये आपको रीडिंग से ही पता चलेंगी। ऐसे ही डील पक्की करने के लिए क्या होता है? लेट्स क्लोज द डील, है ना। क्लोज का मतलब यहां पे बंद करना नहीं होता, अगर डील क्लोज हो गई तो यानी डील पक्की हो गई। तो मुझे 4 घंटे लगे डील को क्या करने में? डील को क्लोज करने में। सोनू ईट्स डैश लाइक अ रैबिट। सोनू जो है वो डैश खाता है एक रैबिट की तरह से, ठीक है। अब जरा देखने की कोशिश करना, ये वाले जो दोनों कैरेट हैं, सेकंड नंबर और फोर नंबर, ये दोनों कैरेट होते हैं बेसिकली यूनिट, आपने सुना होगा ना। ये वाली इसकी ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, ये वाली इसकी अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। अ कैरेट इज अ यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 200 मिलीग्राम। और ये सी ए आर ई टी वाला कैरेट होता है वो जो अपन होता है ना, कई बार लाइन में कुछ रह गया, जैसे मान लो इसमें मुझे कुछ लिखना था
तो ये सिंबल लगा के आप ऊपर लिख देते हो। तो ये जो सिंबल होता है जो ये दिखाता है कि यहाँ पे कुछ ऐड होना है, उसकी ये स्पेलिंग होती है CERET। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ना तो तुम उस सिंबल को खाओगे, ना ही तुम वो जो 24 कैरेट गोल्ड वो वाला कैरेट खाओगे। ऑब्वियस बात है, गाजर की बात हो रही है, खरगोश गाजर खाने के लिए मशहूर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी आपका 3। ही डैश इमिटेट प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैश। वो डैश इमिटेट करता है, नकल करता है प्लेफुल मूवमेंट किसकी, डैश की। अब यहाँ पे इन्होंने तुम्हें देखो दे भी दिया, तीनों डज हैं, मतलब सॉरी 2 डज हैं और एक क्या है, डोज है, डोज ऑफ समथिंग। वो तो आपको पता ही हो कि अच्छा इतनी डोज नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन की मात्रा, यू कैन से, है ना। एक हेल्पिंग वर्ब होता है डज वाला, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और एक ये DOS का भी मतलब होता है, फीमेल डियर। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, मूवमेंट कॉपी करता है वो किसी चीज़ की। अब यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ, और प्रीपोजिशन भी है, और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, द आर्टिकल है यानी यहाँ पे नाउन चाहिए, है ना। अच्छा ये वाला डज तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये डोज माने मात्रा हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि एंडिंग में तो ए आएगा, इसी से अपना वैसे काम हो गया, है कि ना। अब काफ़ी बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा, सर ही डज इमिटेट, ये कैसे सही हो सकता है। समझने की कोशिश करना, जैसे अपन कहते हैं ना ही डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर तो अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव या इंटरोगेटिव वर्जन क्रिएट करना है तो डज आपको खूब दिखता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ये तो खूब देखा आपने। पॉजिटिव में भी डज का यूज कर सकते हैं अगर अपने को एम्फोसिस डालना हो। जैसे मान लो स्कूल से फोन आया, जी आपका बच्चा 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। अब घर से तो मम्मी उसको तैयार व्यार करके भेजती है, रोज रोज जाता है उनकी नज़र में तो वो स्कूल। तो मम्मी कह रही है नहीं जी ऐसी बात तो नहीं है, ही डज गो टू स्कूल, जाता तो है वो स्कूल। तो पॉजिटिव में भी आप डज का यूज़ कर सकते हो वर्ब से पहले, अगर आपको इंटेंसिटी को उठाना हो, ठीक। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर अगर ये डज ना लगाएं तो गलत होगा? नहीं गलत नहीं होगा, बस एम्फोसिस हट जाएगा। ही इमिटेट्स अगर लिखा होता, वो इमिटेट करता है डायरेक्ट, तो सही हो जाता, वो भी ठीक है, बस एम्फोसिस हट गया। ही डज इमिटेट यानी करता है वो इमिटेट। जैसे मान लो वो नहीं होता, घर पे बैठे हैं, कोई मेहमान आए, बच्चों कहते बेटा नाच के दिखा, बेटा ये करके दिखा, है ना। तो अब शर्मा आ रहा, अब नहीं करके दिखा रहा, अजी करता है ये, ही डज इमिटेट करता है ये, वो वाले सेंस के अंदर। हिज डैश स्टैचर वॉज नॉट अ मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। उसका जो वो बेसिकली डील डॉल बॉडी वाला जो टाइप था, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी का मेजर नहीं था। यानी हो सकता है कोई दिखने में कमज़ोर पतला सा लगे, लेकिन रियलिटी में उसकी पर्सनैलिटी वैसी ना हो। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो जो ब्रैकेट में लिखे गए वर्ड को रिप्लेस कर सके, है ना। अब ये ब्रैकेट वाला जो वर्ड है स्क्रॉनी, इसका मतलब होता है बहुत थिन, कमज़ोर, ठीक। उसका जो कमज़ोर डील डॉल टाइप का था, फ्रेल, बड़ा ही कमज़ोर सा दिखना, उसके लिए अपने को, यानी कह सकते हो कि ये सिनोनिम पूछने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। भले ही ये क्वेश्चन फिलअप में दिया गया है, लेकिन ये इनडायरेक्टली सिनोनिम पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे अपने को बाकी वर्ड के मीनिंग क्या है, सिकली का एक तो मतलब होता है जो अक्सर बीमार रहता हो, और एक सिकली का मतलब अनप्लेजेंट भी होता है। कोई चीज़ अगर सिकली है तो आपका उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा, वो चीज़ अनप्लेजेंट है। कीन, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, थिन माने पतला, मस्कुलर आपको बताइए। अब स्क्रॉनी का मतलब भी पतला और थिन का मतलब भी पतला, यही आ पाएगा यहाँ पे। वो जो CEO का डिसीजन था कि बेनिफिट को कट किया जाए, वॉज अ डैश मूव, वो एक डैश मूव था। कैसा मूव था भैया? हार्श का मतलब होता क्रूअल, जब कोई हार्श स्टेप लेता है, हार्श पनिशमेंट देता है, तो बड़ी क्रूअल और इस टाइप की पनिशमेंट देता है। अगर कोई पर्सन हार्श है तो क्रूअल और हॉस्टिल है बिहेवियर, वेदर किसी भी चीज के लिए लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हार्श वेदर, है ना। अच्छा जी, लेबोरियस मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती, लेबर से याद कर सकते हो, समथिंग रिक्वायरिंग। अगर कोई पर्सन लेबोरियस है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, अगर कोई टास्क लेबोरियस है तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। रिगरस, जैसे अपन बोलते हैं रिगरस एफर्ट डाले, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले। एक्सट्रीमली थोरो एंड केयरफुल, रिगरस इंस्पेक्शन हो रही है इस चीज़ की, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में देखा जा रहा है, वो वाला। ह्यूमरस, फनी, आपको पता ही ह्यूमर से बना है।
तो यहाँ पे सीईओ का जो डिसीजन था, भैया बेनिफिट को कट किया जाएगा, जो अपने इम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स वगैरह दे रखे थे उनमें कटौती की जाएगी, ये कैसा डिसीजन है? ये लेबोरियस डिसीजन है। अच्छा जी, ये ह्यूमरस डिसीजन है। रिगरस, किसी चीज़ की डिटेल में जाना, और हार्श मतलब क्रूअल। तो इम्प्लॉयज़ की नज़र से तो देखें हार्श डिसीजन है, तो हार्श इसके अंदर बेस्ट वर्ड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिलअप के जो क्वेश्चन होते हैं 95% वोकैब बेस्ड होते हैं। अगर आपकी वोकैब मजबूत है तो फिलर्स आपसे अपने आप हो जाएंगे। जिसके भी फिलर्स गलत होते हैं, तो इसका मतलब आपकी वोकैब पे आपको काम करना पड़ेगा। आई ऑलवेज लव द डैश ऑफ माई मदर्स कुकिंग, मेरी माँ के खाने की मुझे हमेशा डैश पसंद आती है। स्टेंच का मतलब होता है जी बदबू, है ना। सेंट का मतलब होता है बेसिकली जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं उसकी खुशबू। परफ्यूम आपको पता ही है, तो नाउन हो गया। अच्छा जी, वैसे तो सारे नाउन है, लेकिन परफ्यूम वो चीज़, वो लिक्विड टाइप का या वो गैस टाइप का है जिसको लगाते हो आप बदबू को हटाने के लिए। सेंट जो उससे खुशबू आएगी वो, और अरोमा होता है खाने का, अरोमा होता है खाने का, खाने की जो सुगंध होती है उसके लिए स्पेशली वर्ड ही बना है अरोमा। रेस्टोरेंट्स भी बहुत होते हैं अरोमा नाम से। ये एक रेड कलर की रूट वेजिटेबल है, बिट, है ना। एक तो बिट होता है भी, लिटिल बिट, थोड़ा सा और लूंगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। बीड होते हैं जी मोती, माला जैसे फेरते हैं ना, जो बीड होते हैं मोती। बीट किसी को मारना आपको पता ही है। बीट रूट आपने सुना होगा, चुकंदर जिसको हिंदी में कहते हैं, बीट रूट का जूस पीते हैं ना सर्दियों में, गाजर वाजर के साथ मिला के देते हैं। आई वॉज इन डैश ऑफ अ मीटिंग वेन समबडी कॉल्ड मी, मैं एक मीटिंग के डैश में था जब किसी ने मुझे बुलाया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। ये वाले तो मुझे लगता है कॉर्नर और राउंड, तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मीटिंग के कॉर्नर में था, मीटिंग के राउंड में था। हाँ, इनमें आपको थोड़ी हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकती है। समझने की कोशिश करिएगा, अगर समय की बात करोगे ना भी, किसी एक्टिविटी के बीच में थे। सेंटर होता है सर्कल का, सर्कल के बीच के पॉइंट को सेंटर कहते हैं, है ना। ये वाला जो है ना, किसी चीज के बीच में था, मैं किसी एक्टिविटी के बीच में था उसके लिए, या रोड के भी बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने नाउन चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कुत्ता बैठा है रोड के बीच में, तो क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ द रोड बोलोगे कि मिडल ऑफ द रोड बोलोगे। तो पोजिशन के लिए मिडल आएगा, और किसी एक्टिविटी के बीच में फंसे होने के लिए भी मिडल वर्ड का यूज होगा, ना कि सेंटर का, ध्यान रखिएगा। अब फिर से वैसा एक सवाल, इनडायरेक्टली आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इल इक्विप्ड था हैंडल करने के लिए विजिटर्स के इन्फ्लक्स को, जो बहुत भारी मात्रा में विजिटर्स आए उसको हैंडल करने के लिए सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इल इक्विप्ड था, मतलब सक्षम नहीं था। नेटिव्स कौन से होते हैं जो उस एरिया में रहने वाले होते हैं? सिटीजन माने नागरिक, रेजिडेंस माने वहाँ रहने वाले। तो ये विजिटर, बाहर से आने वालों के लिए क्या वर्ड यूज होता है? टूरिस्ट वर्ड यूज होता है। देखो, इस टाइप की क्लासेस आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, है ना। अब इसमें क्या बताऊं, इसका मतलब ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। और वोकैब भी कोई मुश्किल वाली नहीं है कि आपको बहुत मजा आए, है ना। लेकिन क्या करें, आप बच्चे ना, जो भी चीज पढ़ाई ना जा रही हो ना, वो उनको मुश्किल लगने लग जाती है। सर फिलर, फिलर में नंबर नहीं आते, सर फिलर में नंबर नहीं आते। अबे वोकैब पे काम करेगा तो क्यों नहीं आएंगे नंबर, है ना। अब कुछ महानुभाव होते हैं, मैंने देख के पता क्या, ग्रामर पढ़ा दी और मान लो प्रैक्टिस में मैंने एरर्स करा दी, फिर पता क्या बोलेंगे, सर आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली ग्रामर तो पढ़ाई ही नहीं। अरे देवा, मतलब एरर के लिए अलग ग्रामर पढ़नी पड़ती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए अलग ग्रामर पढ़नी पड़ती है क्या? ऐसे होते हैं कई। और फिलर जो कहते हैं ना, सर हमसे फिलर नहीं होते, ये वही वाले नमूने हैं जो यही नहीं सोच पा रहे कि वो क्या भी तो है। अगर आपसे सिनोनिम एंटोनिम होंगे तो ये भी होंगे आपसे, और अगर आपसे सिनोनिम एंटोनिम नहीं हो रहे तो ये भी नहीं होंगे, वो क्या भी तो है यार। बस पूछने का तरीका अलग है, इसमें डैश मार के दे दिया आपको। बोथ क्रिमिनल्स वर क्रूअल एंड डैश, दोनों ही क्रिमिनल जो थे वो क्रूअल थे, बहुत निर्दयी थे और डैश थे। अच्छा जी, वॉर्म का मतलब एक तो गर्म होता है, और एक वॉर्म फीलिंग्स, बड़ी अफेक्शनेट फीलिंग, वो वाला मतलब भी होता है।
सिंपथेटिक किसी के प्रति सिंपथी हो जिसके मन में, डिलीजेंट बड़ा मेहनती, दिल्ली की जनता बड़ी मेहनती होती है, आपने नेमनिक्स बना के याद करा होगा। ब्रूटल माने होता बहुत निर्दयी क्रूअल, जैसे ब्रूटल क्राइम जिसके अंदर बहुत वॉयलेंस इन्वॉल्व हो, इनह्यूमेन। द टू ब्रदर्स वर डैश व्हेन देयर फादर डाइड, ठीक है। अब ये फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, दो ब्रदर्स डैश हो गए जब उनके पिता का देहांत हुआ, ठीक। अच्छा जी, फेल डाउन का मतलब क्या होता है, एक तो नीचे गिरना, सिंपल, इफ समबडी फेल डाउन तो वो नीचे गिर गया, और एक फेल डाउन का मतलब होता है कोई चीज जो मतलब अनसक्सेसफुल हो जाए, कि इफ समथिंग फॉल्स डाउन, जैसे होता ना ये चीज वो ढह गई, कहने का मतलब उनका बिजनेस फॉल डाउन हो गया, वो वाला मीनिंग हो सकता है। लुक डाउन अपॉन समबडी, तो किसी को अपने से तुच्छ समझना, इन्फीरियर समझना। फॉल आउट होने का मतलब होता है लड़ाई हो जाना, अगर दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में फॉल आउट हो गया तो उनके बीच में लड़ाई हो गई। गेट द सैक का मतलब होता नौकरी से निकाल दिया जाना। तो यहाँ पे ये कौन सा इसके अंदर से अपन यूज़ करेंगे, ऑब्वियस बात है दोनों भाइयों को डैश, दोनों भाइयों में डैश हो गया जब उनके पिता का देहांत हुआ, क्या वो गिर जाएंगे चक्कर खा के, हो भी सकता है, लेकिन ये वाला वो वाला नहीं है, मतलब चक्कर खा के गिरना नहीं, वैसे गिर जाना है। दोनों भाइयों में ज़्यादा चांस क्या है, पिता के देहांत होने के बाद जनरली क्या होता है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है। तो बेस्ट मीनिंग जो इसमें से निकलेगा, ज़्यादा चांस जिसके होने के हैं वो है फेल आउट। ये वाले देखो, लुक डाउन अपॉन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है कि ना, तो ये वाला तो आ नहीं पाएगा। गॉट द सैक, नौकरी से निकाल देना, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही। आपको चार में से बेस्ट लगाना होता। अब कोई कहने लग जाए सर ऐसा भी तो हो सकता है, उनके पिता के ही दम पे उनकी नौकरी लगी थी, जैसे पिता का देहांत हुआ दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा भी तो हो, तो बच्चे बहुत कुछ सकता है। चार में से बेस्ट चूज करना है वो ये है। हाँ जी, फिर से वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स। बॉल्ड माने होता गंजा, ये तो आपको पता ही है। BLED का मतलब होता है, जब वो आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस टाइप का, काफ़ी सारे कपड़े या कागज़ को जब एक बंडल बना देते हैं और उनको प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, है ना, उसको एक लार्ज ब्लॉक बना देते हैं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है बेल, उसकी सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक। BAWLED इसका मतलब क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई चौक बहुत ज़्यादा चीखता है, इफ़ यू आर गेटिंग बॉल्ड एट, तो यानी आपको कोई धमका रहा है। अब इफ़ यू आर बॉलिंग समथिंग, कहने का मतलब होता है आप किसी को धमका रहे हो, डांट रहे हो बहुत ज़्यादा, शाउट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। बॉल्ड का ये वाले का मतलब होता है किसी चीज़ को आकार देना, बॉल का आकार देना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा, रवि गंजा है ना, सब्जेक्ट लिंकिंग आगे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, रवि इज बॉल्ड, रवि को गट्ठा बना के उसको दबा दिया गया, ऐसा कोई मीनिंग आएगा क्या, रवि को छील के बॉल का आकार दिया जा रहा है, ऐसा कोई मीनिंग आएगा क्या। और ये वाला जो होता है ना डांट मारना, इसके साथ एट प्रीपोजिशन आती है, अगर वो उस पर डांट मारी जा रही रवि इज बॉल्ड एट, हो जाता ही एट, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन आएगा जी बॉल्ड। अब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्या कहेगा, इलेक्ट्रिसिटी को डैश करो लाइट को स्विच ऑफ करके, क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को कहीं डिपॉजिट करके आओगे, जमा करा के आओगे, इलेक्ट्रिसिटी को बचा के लाओगे, रेस्क्यू कर लाओगे, इलेक्ट्रिसिटी को रिटेन करोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे, ऑब्वियस बात है सेव इलेक्ट्रिसिटी। बेड जिस पे तुम सोते हो वो टूटा हुआ है, ठीक, ऑब्वियस बात है जिस बेड पे वो सोता है ऐसे कोई 500 बेड तो होंगे नहीं, हाँ के ना, यानी स्पेसिफिक हो गया, स्पेशली लिखा है द बेड यू स्लीप इन, द बेड यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है, वो बेड जिस पर तुम सोते हो, तो वो स्पेसिफिक हो गया, हाँ के ना, स्पेसिफिक हो गया, तो फिर द आर्टिकल से बनाओगे। और एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चे, अगर आपको मतलब खुद से नहीं सोचना तो फिर तो PDF ही कर लेना ना इसकी, फिर तो डायरेक्ट PDF ही देख लेना। आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसे ऐसे पसर के बैठे हैं, वीडियो चला दी, वो मत करो। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा के कोई 5-7 सेकंड के लिए चुप होता हूँ, उसमें आपको पॉज करके खुद से सोचना है, तो ये वीडियोस देखने का कोई पॉइंट बनेगा। टाइम तो मैं वैसे ही नहीं खराब करके खुद ही राजी नहीं हूँ यार, टाइम खराब करना हो तो एक क्वेश्चन दिखाओ ऐसे,
बीच में शायरियां करो, डबल मीनिंग बातें करो, लाइव क्लास लो, कमेंट पढ़ो, हाँ आप कहाँ से हैं, आप कैसी हैं, अच्छा ये वो तो मैं खुद ही करके राजी नहीं हूँ। तो वीडियो देख रहे हो तो पढ़ो ना, ट्राई करो अपने आप। शी कुड ईजिली ईट द डैश बिरयानी बाय हरसेल्फ, वो बड़ी आसानी से डैश कर सकती, खा सकती है डैश बिरयानी को बाय हरसेल्फ। हॉल आपको पता ही है, हॉल के अंदर ये इवेंट चल रहा था, ये वो वाला हॉल है। ये वाले हॉल का मतलब होता पूरा का पूरा, HALE हॉल सुराख होता है, HAUL हॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना बेसिकली, ठीक, पुल करके लाना, एफर्ट लगाना, वो वाला मीनिंग है इसका, पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी बिरयानी अकेली निपटा सकती है वो। अब ये फिर वैसे ही सवाल आ गया, वो क्रैक अ जोक टाइप का, मेक अ मिस्टेक टाइप का। जीनी ने अलादीन को कहा कि एक विश मांग, है ना, तो यहाँ पे आस्क अ विश, टेल अ विश, टेक अ विश, मेक अ विश। जब आप किसी को कहते हो ना अपनी इच्छा करो अपनी कोई, तो वहाँ पे उसके लिए वर्ब यूज़ होती है मेक अ विश। ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने से। अब ये भाई अलग अलग टाइप की हंसी है। शी डैश ग्रेसफुली, वो ग्रेसफुली हंसी, कहने का मतलब ये सारी हंसी हैं अलग अलग टाइप की, वो ग्रेसफुली हंसी और उसने ग्रीट किया इंटरव्यू कमेटी को रिस्पेक्ट के साथ। अब ये सारी हंसी को देखो, लीड का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन की तरफ घूर के देखना, अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन देना जो अक्सर सेक्सुअल होता है नेचर में, जैसे किसी को घूर रहे हो और ऐसे अंदर अंदर से हंस रहे हो, उस टाइप का सेक्सुअल टाइप इशारा कर रहे हो किसी को। ग्रिन का मतलब होता है बिल्कुल दांत फाड़ के हंसना, ऐसे पूरा जबड़ा दिखा के हंसना। स्मर्क का मतलब होता है ये वाला, ऐसे हंसना मतलब सामने वाले को आप नीचा दिखा रहे हो, आपको लगता है कि जिस चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ पर हंसना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे हंसना थोड़ा घमंडी टाइप में। तो अब यहाँ पे ना तो उसने कोई ऐसा सेक्सुअल टाइप में हंसी होगी वो, ना दांत फाड़ फाड़ के हंसी होगी इंटरव्यू कमेटी के आगे, और ना ही उसने अपने से तुच्छ समझा होगा उनको। यहाँ पे स्पेशली लिखा ग्रेसफुली और ग्रीट किया उनको, तो यहाँ पे स्माइल्ड, बड़ा ग्रेसफुली स्माइल किया उसने और उनको ग्रीट किया। माई सिस्टर्स पेंटिंग वर डैश एट नेशनल एट द नेशनल म्यूजियम, मेरी सिस्टर की पेंटिंग जो थी वो डैश थी नेशनल म्यूजियम में। अच्छा जी, कोई चीज़ डिस्प्ले करी जाती है, अगर मैं कहूँ वहाँ पे डिस्प्ले करी गई थी, तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे? अपॉन डिस्प्ले, अपॉन तो मोशन के लिए आता है, डिस्प्ले इनटू और इन, ऑन डिस्प्ले। कोई चीज़ अगर डिस्प्ले पे लगी होती है तो ऑन डिस्प्ले, इट वॉज ऑन डिस्प्ले, वो प्रदर्शनी में लगाई गई थी। बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस आर हैविंग अ डैश इकोनॉमी दीज डेज, इन दिनों उनकी एक डैश टाइप की इकोनॉमी है डेवलपिंग देशों की। कैसी इकोनॉमी है जी? अच्छा मीनिंग देखना जरा, रिसाउंडिंग का मतलब होता है, ये वाला गलत टाइप हुआ है, इसको हटा दूंगा मैं रिसाउंडिंग वाले को, ठीक है। रिसाउंडिंग का मतलब होता है अनमिस्टेबल, अनमिस्टेकेबल, यानी जो साफ साफ नजर आ रहा हो और एम्फेटिक, ठीक है। अच्छा बूमिंग का मतलब होता है हैविंग अ पीरियड ऑफ ग्रेट प्रोस्पैरिटी एंड रैपिड ग्रोथ। अब जरा एक चीज समझने की कोशिश करना, देखो अब बूस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को आगे पावर लगा के आगे धकेलना, बूस्ट देना किसी चीज को। रिंगिंग का यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता है, चलो देखो रिंगिंग को हटा दिया मैंने, बूस्टिंग इकोनॉमी, बूस्ट करने वाले, बूस्टिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी और चीज को बूस्ट करे, तो इकोनॉमी किसी चीज को बूस्ट कर रही है। रिसाउंडिंग का चलो ये वाला मतलब भी होता है, रिसाउंडिंग अगर आप कोई गूगल गूगल पे देखोगे तो बहुत अच्छा मतलब भी होता है इसका, तो काफी बच्चे कहेंगे सर रिसाउंडिंग इकोनॉमी क्यों नहीं लगा सकते। मैं वही सवाल आपसे पलट के अगर पूछ दूं कि रिसाउंडिंग लगाने से पहले तो बूमिंग लगाओगे ना यार, ये तो आपने 500 बार पढ़ा हुआ सुना हुआ वर्ड होगा रीडिंग के दौरान कि इकोनॉमी बूम कर रही है, ये चीज बूम कर रही है, तो इकोनॉमी के लिए कौन सा वर्ड बेहतर है?
क्लोज टेस्ट में भी तो यही करते हैं ना कि अगर मीनिंग भी ठीक लग रहा है, ग्रामर भी ठीक लग रही है, तो जो उस मीनिंग में ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड उसको टिक करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट लगाया जा सकता है वो लगाया जा सकती बूम। इकोनॉमी अगर बूम पे है तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। ही डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है ना। ही के साथ रन साथ अगर वर्ब की पहली फॉर्म है, रन जैसा तो कोई वर्ब है ही नहीं, रनिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, ऑब्वियस बात है। अब ये तो क्या ही बोलूँ, मतलब मैं ये जो मूवी है ये देखी गई मेरे यंगर ब्रदर के द्वारा, वॉज वॉच्ड बाय माई यंगर ब्रदर, और वो भर गया हॉरर से, और वो पूरी तरह से भर गया हॉरर से। फिल के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? फिल्ड विद समथिंग, है ना। फिल के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? फिल्ड विद समथिंग, इट वॉज फिल्ड विद दिस लिक्विड, इट वॉज फिल्ड विद। अब यहां पे द बॉक्सर नॉक्ड आउट, द बॉक्सर वॉज नॉक्ड आउट कोल्ड बाय अ पावरफुल पंच ऑफ पंच टू द जॉ। बॉक्सर नॉकआउट हो गया, मतलब नॉकआउट कोल्ड का मतलब बेहोश हो गया एक टाइप से, कुछ होश में ही नहीं रहा वो, जब उसको एक पावरफुल पंच पड़ा उसके जबड़े पे। अच्छा जी, कैसा पंच पड़ा उसको? ये वाला राइट माने तो लिखना होता है ना, ये वाला राइट माने रीति रिवाज होता है, कोई रिचुअल होता है, ये वाला राइट माने होता है कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा चीज जो किसी काम को करे। जैसे आपने ये वाला वर्ड अक्सर देखा होगा, देखो प्ले राइट का मतलब नाटक लिखने वाला, शिप राइट मतलब शिप बनाने वाला, व्हील राइट मतलब व्हील बनाने वाला, बेसिकली जो बिल्डर होता है किसी चीज को बनाने वाला, इसका मतलब होता है ये वाला, जैसे होता है ना राइट हुक, लेफ्ट हुक, लेफ्ट पंच। तो बॉक्सिंग के लिए राइट पंच पड़ा उसको, राइट हाथ का पंच पड़ा। हिज गन, सॉरी दिस गन शुड बी हैंडल्ड विद केयर, ये जो गन है इसको बड़े केयर से आपको हैंडल करना चाहिए, एंड डैश केयर से हैंडल करना और डैश करना है। अच्छा जी, क्या करना है? शुड बी हैंडल्ड, शुड बी हैंडल्ड। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, एंड कंजंक्शन आपने लगा रखी है तो ये शुड बी आगे भी अंडरस्टूड हो गया, इस गन को हैंडल करना केयर से और डैश से। मेरी बात इतनी बात आती है समझ? अच्छा, तो शुड बी है तो आगे वी थ्री आएगा पहली बात। तो शॉर्ट फॉर सेफ्टी, गन शुड बी शॉर्ट, गन को शॉर्ट किया जाना चाहिए, गन को शॉर्ट किया जाएगा, गन शूट करेगी पहली बात तो, और दूसरी बात इसको शूट किया जाना चाहिए सेफ्टी के लिए। अच्छा जी, मीन्स द मैटर का मतलब होता है, एक ईडियम होता है आई डोंट मीन्स द मैटर। मीन्स द मैटर का मतलब होता है कोई अगर आपके मन में बात भी है तो उसको डायरेक्टली ना कहना, थोड़ा घुमा फिरा के लाइट वर्जन उसका यूज करके कहना। अगर कोई बंदा अपनी बात को सीधा सीधा रख देता है तो बोलेगा आई डोंट मीन्स द मैटर्स, और अगर कोई बंदा थोड़ा सा उसको लाइट कर रहा है मीन्स द मैटर्स, ये मतलब है इसका। निप इन द बड, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आगे चल के आपके लिए आ सकती है उसको शुरुआत में ही खत्म कर देना, किसी चीज़ को शुरू में जड़ से खत्म कर देना। कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी चीज को दूर रखना। ये जो गन है इसको केयर से हैंडल किया जाना चाहिए और अपने से थोड़ा सा बेसिकली दूर रख के चलाना। गन आपने देखा होगा ऐसे मुंह के पास रख के गन थोड़ी चलाते हैं, थोड़ा दूर रख के चलाते, भी कुछ थोड़ा मोटा फटे झटका लगे तो बॉडी से तो दूर रहे, मुंह से तो दूर रहे। तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल इसमें ऑप्शन है वो बन सकता है जी अपना फोर्थ नंबर। अ सेलर वॉज डैश थ्रू हाई टाइट्स, वो सेलर जो था, सेलर कौन होता, नाव चलाने वाला, वो हाई टाइट्स जो ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी उनसे डैश कर रहा था। ये वाला स्वेलिंग माने होता सूजन आ जाना, ये सेल माने होता बेचना, ये सीलिंग माने होता छत, और ये वाला सेलिंग माने होता नाव चलाना। तो वो सेल कर रहा था, वो नाव चला रहा था हाई टाइट से। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जितने भी डिफिकल्ट वोकैब है सबके मीनिंग को डिटेल के अंदर लिखवाया गया है।
तो आपको रिवीजन करना आसान रहेगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पिंड कमेंट के अंदर आपको मेरी ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। होम पेज पे फ्री पीडीएफ नाम से एक थंबनेल दिखेगा, उस पर क्लिक करके थोड़ा सा देख लोगे तो आपको ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक नया फोल्डर ही बना देता हूँ मैं उसमें ना, उसमें एक नया फोल्डर बना दूंगा मैं प्रीवियस ईयर नाम से, ठीक है। उसके अंदर अपन ने जो सीएचएसएल के एरर कराए, सीएचएसएल के सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराए, या जो भी जितनी प्रीवियस ईयर आगे क्लासे लेता जाऊंगा उनकी पीडीएफ वहां पर डलती चलेंगी, तो वहां से आप इसको उठा लेना, एक रिवीजन कर देना इन वर्ड्स की। हाँ जी, क्राउड ने उसे डैश ऑफ अप्लॉज दिया। अब ये तो इतने अवार्ड शोज में, इतने तुम जो रियलिटी शोज देखते हो, लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, ये तो बहुत बार सुनी हुई चीजें होंगी। राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब होता बेसिकली तालियों तालियां बजवाना किसी के लिए ना। नमिता स्टिल कैन नॉट पेन द पेन ऑफ हर कैट्स अनटाइमली डिमाइस। नमिता जो है वो आज भी उस दर्द को जो उसकी बेसिकली बिल्ली के अनटाइमली डिमाइस, बिल्ली की अनटाइमली मौत का जो दर्द है उसको डैश नहीं कर पा रही। अच्छा जी, क्या नहीं कर पा रही? अब ये वाला बेयर का मतलब होता बेयर हैंड्स, नंगे हाथ, है ना, बेसिकली जिस पर कोई कवरिंग ना हो। ये वाला बियर वो पीने वाली बियर हो गई। ये वाला बियर है बर्दाश्त करना। ये वाला बियर होता एक टाइप का, कह सकते हो एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ताबूत वगैरह रखा जाता है, डिटेल में देखो लिखा भी होगा। अब फ्रेम, जिस पर डेड बॉडी या कोई कॉफिन को कैरी किया जाता है फ्यूनरल के लिए। तो यहां पर क्या बर्दाश्त करने वाला मीनिंग, बियर नहीं कर पा रही, कैन नॉट बियर। द डैश इन माई शू लेस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल। वो जो डैश है मेरे शू लेस में, जूते के जो फीते हैं उनमें जो डैश है, उसने बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दी है। ये वाला नॉट माने तो नहीं होता है। ये वाले जो दो नॉट होते हैं, ये एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है। इसका मतलब होता नथिंग टाइप से, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ वहाँ पे कुछ नहीं था, देर वॉज नॉट, ये वाला जो नॉट है इसका मतलब होता नथिंग, नो, ज़ीरो, उनके लिए इन वर्ड को यूज़ किया जाता है। और ये वाला जो नॉट होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप रस्सी में गांठ लगा देते हो, है ना, जैसे फीते नहीं बांधते अपन, तो ऐसे को गलत गांठ बंध गई, नाड़ा गलत बंध गया, परेशान हो जाते हो, उस सेंस के अंदर कहना चाह रहा है। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये वाला नॉट। We need to dash a decision on the housing project tomorrow morning. हमें एक decision लेना पड़ेगा housing project पे tomorrow morning. ठीक, अब फिर से भाई ये उसी टाइप का क्रैक का जोक होगा, मेड अ मिस्टेक होगा, मेक अ विश होगा, ऐसे ही यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, वी नीड टू मेक अ डिसीजन। मैकेनिक्स ने बड़ी कोशिश करी कि उस कार को एक्सीडेंट स्पॉट से वो डैश करके ले जाएं। ये वाला टो होता है किसी चीज़ को हुक से बांध के खींच के लेके जाना। गाड़ी वगैरह टो नहीं हो जाती, नो पार्किंग में लगाते हो, सामान खरीद के आया, गाड़ी गायब हो गई, हैं, उठा के ले जाते हैं, टो करके ले जाना, ऐसे वायर बांध के किसी व्हीकल के साथ खींच के ले जाना। ये टोड होता है एक टाइप का मेंढक होता है, थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। ये टो पैर का अंगूठा होता है ना, टो, उसी से बनी हुई वर्ब है, किसी को मारना, टो करना, टोल्ड आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे ये मैकेनिक, टो करके ले जाने की कोशिश करेंगे। जो टो पैर के अंगूठे से बनी हुई जो वर्ब है ना, बेसिकली किसी को अंगूठे से टच करना, वहां तक पहुंचना, है ना, विद टोस, किसी को मारना, टच करना। ही टोल्ड मी, मान लो मैं लिख दूं, मान लो मैं थिएटर में बैठा हूं और कोई बंदा अपने पैर के अंगूठे से ऐसे ऐसे पैर बिड़ा दे मेरे साथ, तो मैं कहूंगा ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझे किक किया है, टच किया है अपने पैर के अंगूठे से। द न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स हैव डैश अटैक बाय एनवायरमेंटलिस्ट्स।
वो जो नई कंस्ट्रक्शन साइट है वो डैश। अब यहाँ पे इफ समथिंग कम्स ऑफ, एक तो कम ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, पेंट कम ऑफ हो रहा है, पेंट की लेयर उतर रही है, और एक कम ऑफ का मतलब होता है सक्सीड होना, जैसे ही केम ऑफ यानी वो सफल हो गया, ऐसे करके। कम अपॉन का मतलब होता है कम अक्रॉस वाला ही, एक है ना रन इन टू और कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब होती है, अचानक किसी से मिल जाना, कम अपॉन का भी मतलब वही है। कम आउट बेसिकली कोई चीज लॉन्च वगैरह होना। कम अंडर का मतलब होता है अ पर्सन दैट अदर्स आर अटैकिंग, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जिस पर लोग जिसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं। तो जो नई कंस्ट्रक्शन साइट है वो एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा क्या आएगी, कमांडर हो जाएगी, यानी उसकी आलोचना करी जा रही है कि जंगल वंगल क्यों काट रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। एक बार फिर बता दूं भाई कि ऐसी वाली क्लासेस ऑब्वियसली बोरिंग लगेंगी, है ना, इसमें टीचर के करने लायक कुछ है नहीं कि मैं इसमें आपको करके दिखाऊं। अच्छा, शी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, शॉपिंग स्प्रीज का ऑब्जेक्ट है, ये कंपाउंड नाउन टाइप काम करेगा विद प्रीपो, कुछ कर नहीं सकता ना मैं इसमें, सिंपल वोकैब बेस्ड है। इसकी जगह पे अब बिल के लिए क्या यूज करोगे, डू द बिल, पे द बिल, गिव द बिल, क्या वर्ब यूज करते हो, पे द बिल, है ना, तो मेड हिम। अब हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज बता सकता हूं मैं कि कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है किसी से कुछ कराना, मेक समबडी डू समथिंग का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो यहां पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, मेड हिम पे द फैट बिल, फैट बिल का मतलब होता है बड़ा बिल आ जाए, ज्यादा बिल आ जाए। कैप्टन ड्रॉप द ट्रॉफी, कैप्टन ने कैप्टन से ट्रॉफी गिर गई जब वो डैश कर रहा था विक्ट्री को अपने टीममेट्स के साथ, ठीक। अब ड्रॉप्ड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट का एक्शन है, दोनों एक्शन पास्ट के बनेंगे, तो इसका मतलब इसको और इसको तो रेस से बाहर निकाल दूं, हाँ कि ना। वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, जब ये हो रहा था तब उससे ट्रॉफी गिर गई, तो कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, तो वॉज सेलिब्रेटिंग लगाओ। Which do, कौन सा डैश लेते हो तुम ऑफिस जाने के लिए, रूड माने आपको पता ही, अगर कोई पर्सन रूड है तो वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, इम्पोलाइट है, बात करने का उसको तरीका नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है। ये वाला RoUT राउट का मतलब क्या होता है, डिफीट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी बंदे की हार, आर्मी की, टीम की, इनकी। ये रूट माने क्या होता है, बेसिकली जड़, रूट कॉज, मेन कॉज, उसके लिए भी यूज हो सकता है। RoUTE वाला रूट क्या होता है, वो पाथ जो आप फॉलो करते हो कहीं पे पहुंचने के लिए, तो ऑफिस जाने के लिए क्या रूट, रूट ये क्या आएगा, पाथ वाला रूट आए, RoUTE। अरुण नोज परफेक्टली वेल हाउ टू मिक्स द फूड आइटम्स विद डैश, अरुण बहुत अच्छे से जानता है कि फूड आइटम्स को डैश के साथ कैसे मिक्स करना है। फूड आइटम को किसके साथ मिक्स करोगे, सोर्स के साथ, सॉ माने तो आरी होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं है, सॉस के साथ कैसे मिक्स करना है, सॉस के साथ कैसे मिक्स करना है। कभी कभी सवाल देख के मैं ऐसे मन में अपने सोचता हूँ क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है यार, सॉस मिलवानी पड़ रही, बताओ। चलो, ब्राइड हैड अ बिग विला इन कंपेरिजन टू द ब्राइड ग्रूम्स डैश हाउस, ब्राइड ब्राइड के पास एक बहुत बड़ा विला था अगर कंपेरिजन में देखें ब्राइड ग्रूम के डैश घर के घर से। अच्छा जी, कैसा इनमें क्या कंपेरिजन हो रहा है, दोनों में क्या कंपेरिजन हो रहा है, साइज का कंपेरिजन हो रहा है, उसका तो बड़ा विला था है ना, तो इसका मुझे लगता है स्मॉल से बनाना पड़ेगा अपने को, इसका ऑब्वियसली स्मॉल से बनाओगे, उसका घर बड़ा था है ना। अब क्या लिखोगे, ये जो लड़की का घर जो था वो बहुत बड़ा था, उसके पास एक बहुत बड़ा विला था, अगर हम कंपैरिजन करें वो जो लड़का था जिससे शादी हो रही थी उसके डिफरेंट घर था, डिस्टिंक्ट अलग घर था, लार्ज घर था कि स्मॉल घर था, ऑब्वियसली साइज की बात करोगे, तुलना करोगे तो साइज की तुलना होगी, और उल्टा हो रहा होगा तभी तो लिख रहे होगे, वरना ये सेंटेंस लिखते ही क्यों।
यहाँ पे देखना कंफ्यूज मत होना, मीनिंग डिस्टिंक्ट का लिखा हुआ है लेकिन आंसर ए है वन। ठीक है, कहीं सोचो इसमें डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। राजू इज सच अ डैश, हमेशा प्राई इंटू मतलब क्या, नाक घुसेड़ रहा होता, अपनी टांग अड़ा रहा होता लोगों के बिजनेस में। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, बेसिकली आदत है उसकी ताका झाकी करने की, दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने की। स्टिंजी का मतलब होता है बेसिकली कंजूस, जो पैसे खर्च करने में थोड़ा सोचे। पर्की का मतलब होता है चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। चीकी मतलब क्या होता है, रूड इन अ फनी वे, चीकी रिप्लाई देना, थोड़ा सा मतलब फनी तो है लेकिन सामने वाले को हर्ट करने वाला है। नोजी मतलब होता है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला, तो यहाँ पे ऑलवेज प्राइंग इनटू दूसरों के मामले में टांग अड़ाता रहता, तो कैसा है वो नोजी है। दूसरों के मामले में नाक अड़ाना, टांग अड़ाना। ही डैश द ट्रूथ, अब ही के साथ स्पीक्स लिखते, सब्जेक्ट सिंगुलर है, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के यहां लगा पाओगे। बोर्डिंग स्कूल में स्टूडेंट्स को अपने डैश खुद करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये फिर से वही वाली बात, जब आप बेड पे अच्छे से चद्दर वद्दर बिछा के, तकिया वकिया रख के उसको सोने के लिए लेटने के लिए तैयार करते हो, तो उसके लिए फ्रेज़ यूज होता है मेक द बेड। मेक द बेड फ्रेज़ का मतलब होता है, अगर मम्मी ने कहा मेक योर बेड, तो उसका मतलब है कि चद्दर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह जो भी है उसको ठीक ठाक से अरेंज कर दो ताकि उस बेड को सोने के लिए यूज़ किया जा सके, तो मेक देयर ओन बेड। ठीक, ग्रास ऑन माई लॉन इज ग्लिस्टरिंग विद विद द मॉर्निंग, वो जो घास है मेरे लॉन में, बेसिकली वो ऐसा लग रहा है चमक टाइप रही है मॉर्निंग में। किस चीज की वजह से चमक रही है वो, डू हेल्पिंग वर्ब होगी, डू माने करना, ड्यू माने होता बकाया, कोई चीज जो आगे होनी हो, ड्यूओ दो लोगों का ग्रुप, ये ड्यू माने होता ओस, इससे चमक रही होगी वो, जो सुबह की ओस होती है ना उससे। जैसे मान लो मैं कहूँ ही वॉज सिटिंग बाय द लेक, क्या मतलब है इसका, वो लेक के साइड पे बैठा था, लेक के पास बैठा था। ठीक है, इफ यू आर सिटिंग वॉकिंग बाय समथिंग, बी वाई, बाय का एक तो बाय प्रीपोजिशन तो बहुत काम आती है डूअर को दिखाने के लिए, बाय ना पोजिशन को भी बताती। ठीक है, तो हॉस्पिटल जो है ये बाय का मतलब होता दो, बायलिंगुअल, ये वाला बाय बाय करना, खरीदना। पोजीशन की बात करनी है तो यहां पे ये वाली प्रीपोजिशन से बनेगा, भी नदी के पास था। आफ्टर फिनिशिंग ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट्स, सारे के सारे मेरे पेंडिंग असाइनमेंट खत्म करने के बाद मैं प्लान कर रहा हूं कि गोवा ये करूंगा। ठीक है, प्लानिंग टू लैंड अ मील, टेक अ हॉलीडे, बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, उधारी भूल जाऊंगा, क्या करूंगा गोवा में, क्या करने जाएगा, ठीक है हॉलीडे, छुट्टी मनाने जाएगा। द डैश टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड, आज डैश आज क्लाउडी और ह्यूमिड होगा। किस चीज की बात करोगे, वेटर खाना सर्व करने वाला क्लाउडी और ह्यूमिड होगा। विदर करने का होता है, अगर फूल वगैरह विदर कर जाते हैं तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। अच्छा जी, एक ये वाला वेदर होता है, क्या तुमने उनको देखा है, वेदर और नॉट, ये होगा कि ये होगा ये नहीं होगा, कन्फ्यूज़न वाला, दो चॉइसेस वाला, ये वेदर माने मौसम होता है, मौसम आज क्लाउडी और ह्यूमिड होगा। ही कम्स हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन है, लेटली के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, वो क्विकली यहाँ आता है, फॉर्मरली यहाँ आता है, हैबिचुअल एक्शन के लिए इनमें से कौन सा वर्ड है, डेली यहाँ आता है।
ही हैजेंट डैश, अटेंशन के लिए क्या वर्ड, क्या वर्ब यूज करते हो? टीचर वगैरह बोलते हैं ना, पे अटेंशन, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्या फ्रेजल वर्ब यूज होती है? पे अटेंशन, तो उससे क्या बनेगा, हैज के बाद वी थ्री आएगा, पेड एनी अटेंशन। परफ्यूम जो वो यूज करती है उसकी बड़ी ही स्ट्रांग डैश है। ये तो सेंट, सेंट कहीं कुछ भेजना उसकी फॉर्म है। ये वाला सेंट होता सिक्के, जैसे अपने इधर होता ना रुपया और खुले सिक्के, अमेरिका वगैरह में होता डॉलर और सेंट, डॉलर नोट होता, सेंट सिक्के होते हैं उनके, तो ये वाला सेंट उसकी बड़ी ही स्ट्रांग खुशबू है। कई लड़के भी लड़कियां भी इतना तिखा भाई सेंट लगा लेते, क्योंकि उनको तो थोड़ी देर बाद एहसास होना बंद हो जाता है, नाक उनकी हो जाती है इम्यून, लेकिन जहां से वो निकलेंगे लिफ्ट में कहीं पे पूरा ऐसे धुम्मे उठा देती है ना। बोलने का मन तो करता होगा तुम्हारा भी, बहन ना लिया करो हैं। द कंपनीज डैश कमिटमेंट, कंपनी की जो डैश कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी को लेकर वो एडमिरेबल है। ठीक है, अच्छा जी, शेकेबल जिसको बदला जा सके, वेवरिंग इफ यू वेवर तो कभी डिसाइड नहीं कर पाते, कभी कैसे कभी कैसे, कमिटमेंट वेवरिंग होगी तो कैसे एडमिरेबल होगी वो। अब बचे अपने पास दो ऑप्शन, रेजोल्यूट और स्ट्रांग, काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, इतने वैसे देने नहीं चाहिए थे, लेकिन समझना, अगर मैं कहूँ ये पर्सन रेजोल्यूट है इस काम को लेकर, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कमिटेड है कि वो ये काम करेगा। समझ में आई मेरी बात? रेजोल्यूट का मतलब होता है जब आपने दृढ़ संकल्प कर लिया हो कि वो काम आप करोगे ही करोगे, किसी चीज को लेकर कमिटेड होना। आप ये लगा सकते हो कि भैया वो रेजोल्यूट है, कंपनी रेजोल्यूट है कि ऐसा करेगी, है ना, कंपनी इज रेजोल्यूट टू सस्टेनेबिलिटी चल जाता। अब कमिटमेंट और रेजोल्यूट का मतलब ही होता कमिटेड, तो आपस में सुपरफ्लूस टाइप के नहीं हो जाएंगे ये? तो यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है वो आएगा स्ट्रांग। आपको सिर्फ कमिटमेंट की इंटेंसिटी बढ़ानी है। कैसी इस कमिटमेंट है? स्ट्रांग कमिटमेंट है। रेजोल्यूट का तो मतलब ही अपने आप में होता कमिटेड, तो कमिटेड कमिटमेंट तो साथ में सुपरफ्लूस टाइप मीनिंग देने लग जाएगा, इसलिए अपना जो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर आएगा वो आएगा जी स्ट्रांग। माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया। माला ने एग्जाम में चीट करके क्या किया, सिर्फ शर्त जीतने के लिए, प्रिया के साथ अपनी शर्त जीतने के लिए एग्जाम में चीट करके उसने क्या किया, गेट द सैक का मतलब नौकरी से निकाल दिया जाना, फॉल आउट माने लड़ाई हो जाना, लुक डाउन अपॉन किसी को इन्फीरियर समझना, हिट बिलो द बेल्ट कोई ऐसा काम करना जो बेसिकली अनफेयर था, कुछ ऐसा कहना या कुछ ऐसा करना जो अनफेयर था। रोजी एंड निकी प्रोवाइड नहीं कर पाए एविडेंस उनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। आर्ग्यूमेंट्स नाउन है, देयर्स तो प्रोनाउन हो जाएगा, ये देयर का मतलब एडवर्ब हो जाएगा, दे आर सपोर्ट ऑब्जेक्ट सीधा वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, बीच में एडजेक्टिव चाहिए, दे आर क्यों चाहिए, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा यहाँ। सारे के सारे प्लेयर्स इस एथलेटिक क्लब के पार्टिसिपेट, ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम द एथलेटिक क्लब उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में, एंड उनमें से हर एक को मेडल मिला, ठीक है, या किसी को भी नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वन दे रखा है, क्या नन वन कुछ हो पाएगा? नन ऑफ देम गॉट अ मॉडल समझ में आता है, लेकिन ये वन लिख रखा है, इससे पहले है डैश, नन वन, दे वन, ऑल वन जैसा कोई वर्ड बनेगा, सिर्फ ईच वन हो सकता है, जैसे एवरी वन, ईच वन, ग्रामेटिकली वर्ड ही एक फिट बैठ पाएगा यहां पे। दीज पीपल आर आर्टिस्ट, ये जो लोग हैं ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इनकी स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिर से वही बात, स्किल्स नाउन है, ये वाला देयर तो एडवर्ब हो जाएगा, दे आर स्किल्स, स्किल्स के आगे वर्ब दी हुई है, दो दो वर्ब क्यों, दे और देयर स्किल, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था।
कोचिंग का जो डैश पर्पस है वो था आइडेंटिफाई करना टैलेंटेड प्लेयर्स को। अच्छा जी, अब यहाँ पे पर्पस नाउन है, माइन तो प्रोनाउन होता है, मीन माने मतलब ही होता है, मेन माने होता है बाल, खास करके शेर की दाढ़ी के जो बड़े बड़े बाल होते हैं, मेन पर्पस, चीफ पर्पस। शाम हैज रिजर्व, शाम ने ट्रेन में एक डैश रिजर्व कर रही है क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो बच्चे को डैश करने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, और ट्रेन में बर्थ रिजर्व करी है। जो ट्रेन में रिजर्व होती है वो BERTH होती है, और बर्थ की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी, यानी ऑप्शन बनेगा जी क्या, एयर माने हवा होता है, ERE माने होता है बिफोर जैसा मतलब होता है, प्रीपोशन होती है एक टाइप की, ERR का मतलब होता है गलती करना, एयर का मतलब होता है बेसिकली उत्तराधिकारी, वो जो प्रिंस है वो थ्रोन का क्या है, उत्तराधिकारी है। 95% क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होते हैं, और वोकैब में भी आसान वोकैब, बस थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। अब आप इन सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए आप सारे देख लो, टोटल शायद 78 के करीब है, लेवल देखना कोई धेले का लेवल ही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी रीडिंग करते हो, हल्की भी आपकी वोकैब ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं। बस दिक्कत क्या है, क्लासेस के अंदर ज़्यादातर ये फिलअप्स वगैरह पढ़ाए नहीं जाते, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो कम मिलती है, सर फिलर नहीं होते, सर फिलर गलत हो जाते हैं। अब जो चीज़ बस नहीं पढ़ाई जाती या कम पढ़ाई जाती, बस ये सर ये, डरना छोड़ो यार, है क्या इसमें बताओ, सिंस लिखा हुआ है, सिंस के साथ टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, 10 चैप्टर में 50 बार आपने पढ़ा हुआ रूल है ये, तो हैज बीन सफरिंग आ जाएगा यहाँ पे। आज की क्लास में किया, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, अटेंशन के लिए क्या लगाते हो, पे अटेंशन। आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज प्रॉपर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे प्रॉपर नेचुरल डैश है, 6 o'clock के टाइम पे भी प्रॉपर नेचुरल क्या है, प्रॉपर नेचुरल क्या है। स्पार्कल माने क्या होता है, चमक, अगर कोई चीज ल्यूसेंट है, अगर कोई चीज ल्यूसेंट है तो उसमें से चमक बाहर आ रही है, स्पार्कल करने का मतलब होता है झिलमिल करना, ग्लीम करने का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसमें से। अब यहां पर नेचुरल, आगे आपको नाउन चाहिए, आगे आपको नाउन चाहिए, स्पार्कल करना तो वर्ब हो जाएगा, स्पार्कल करना तो वर्ब हो जाएगा। अब ग्लीम का मतलब भी, ग्लीम भी क्या है, वर्ब है, हाँ कि ना, अगर कोई चीज ल्यूसेंट है ये एडजेक्टिव बनेगा, तो यहां पे नाउन के रूप में नाउन चाहिए ना, ल्यूसेंट एडजेक्टिव बन जाएगा, स्पार्कल वर्ब बन जाएगा, स्पार्कल नाउन भी होता है, चमकीली जिसको बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, नेचुरल स्पार्कल। अच्छा जी, ग्लीम क्या बन जाएगा, फिर से वर्ब बन गया, नाउन चाहिए मुझे, नेचुरल एडजेक्टिव आगे नाउन चाहिए, तो नेचुरल लाइट रहती है यहां पे। आई एम स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, लाइक वाइज यू आर डैश ऑफ लिजर्ड्स, मैं सांपों से डरता हूं और वैसे ही तुम डैश से डरते हो, लाइक वाइज ठीक उसी तरह, तो ये भी क्या, ये भी डरता होगा ना, उनको लेके पैशनेट है, क्रिटिकल है, निंदा करता है, फॉन्ड यानी वो चीज अच्छी लगती है, फियरफुल ऑफ, लाइक वाइज का मतलब होता है ठीक उसी तरह, तो दोनों डरेंगे, फियरफुल आएगा। मैं एवरेस्ट के डैश पर पहुंचना चाहूंगा। अच्छा जी, PEE पीक का मतलब होता है झांकना, पिक का मतलब होता है उठाना, PIKE का मतलब होता है एक टाइप की मछली, एक बड़ी मछली जो दूसरी मछली को खाती है, वो है ना, तो यहाँ पे पीक किसी चीज की चोटी, किसी चीज का टॉप पॉइंट। थोड़े से ही रह गए बस, अब ठीक है, मुझे पता है बोरिंग है, कब क्या करूं मैं इसमें, है ऐसा तो है नहीं जैसे कईयों को वैसे मैंने करते देखा है, वेट वेट माने इंतजार करना है, वेट माने होता है गीला, गीला बदन पानी में आग लगाए, ऐसे से करके दिखाऊं क्या हर एक वर्ड के साथ, फिर बनेगा इंटरेस्टिंग।
बहुत मैंने देखे आजकल हर एक वर्ड के साथ गाने सुनाने लगे हैं, अलग अलग फिल्मों गाने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। द डैश ऑफ वेल इज 2 टन, वेल का जो डैश है वो 2 टन है। अच्छा जी, वेट माने होता गीला, वेट माने इंतजार करना, वेट माने भार, और ये वीटी वेट माने जो बेसिकली जानवरों का इलाज करता है, वेट। तो यहाँ पे अपने क्या चाहिए, भार वाला मीनिंग चाहिए। इट इज द डैश टू रीच दिल्ली। आज ही अपन ने देखा रूट माने क्या होता है, कहीं पहुंचने का रास्ता। ये दिल्ली पहुंचने का डैश है, ठीक है, ये दिल्ली पहुंचने का डैश है। लोएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं, लोएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं। इट इज़ द क्विकेस्ट रूट की फास्टेस्ट रूट। ग्रामेटिकली दोनों चल जाएंगे, ग्रामेटिकली दोनों चल जाएंगे, लेकिन दोनों में से ज्यादा यूज कौन सा होता है, दोनों में से ज्यादा यूज कौन सा होता है। हाँ जी, यूज करते भी हो, पता भी होगा आपको, फास्टेस्ट रूट जो है वो वर्ड बेटर रहेगा, ठीक है। क्विकेस्ट रूट में गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, ये दो ऑप्शन इतने क्लोज क्यों दे दिए एसएससी वालों, जाओ नहीं करता अटेम्प्ट, चार में से बेस्ट चूज करके आओगे ना, इनमें से फास्टेस्ट रूट कौन सा है जो आप कॉमनली यूज करते हो, जो बेटर वर्ड है इस मीनिंग को करने के लिए, वो अपने को टिक करके आना पड़ेगा। यही चीजें क्लोज टेस्ट में भी हो जाती हैं बहुत बार, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होता ऐसा। अभी तक कितने क्वेश्चन आए, एक रेजोल्यूट और स्ट्रांग वाला आया था, एक ये आया था, 62 क्वेश्चन हो गए। यानी इस टाइप के क्वेश्चन की रेशियो क्या बनी, 30 में से 1। यानी कितने सेट लगे होंगे इतने क्वेश्चन बने हुए, सारे सेट के टोटल 78 क्वेश्चन है। बहुत रेयर चांस है कि आपके सेट में एक ऐसा क्वेश्चन आए, तो घबराने की बात नहीं है। कैट की जो एंट्री थी स्टोर रूम में वो डैश थी। क्विट माने होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। क्यूट आपको पता ही है ना, क्यूट स्माइल है उसकी। क्वाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, जैसा आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। ये वाला होता है शांत, बिना शोर के। आई फाइंड दैट, मैं ये चीज देखता हूं कि स्टूडेंट्स आजकल इंटरेस्टेड नहीं है लेटर्स को डैश लिखने में, लेटर्स को हाथ से डैश करने में। अब लिखने वाला मीनिंग चाहिए, ये राइट माने तो सही होता है, रेट करने में, दंगे करने में, राइट लिखना, क्या ही बोले भैया। आई एम डाउटफुल अबाउट हिज स्टोरी, मैं उसकी स्टोरी को लेकर थोड़ा डाउट में हूं, संदेह में हूं। दो यू सीम टू बी, हालांकि, हालांकि तुम डैश प्रतीत हो रहे हो। अब यहां पे लिखा है मैं डाउटफुल हूं, और यहां पे लिखा है हालांकि, हालांकि, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करोगे, मैं डाउटफुल हूं हालांकि तुम डैश लग रहे हो। ऑब्वियस बात है, मैं डाउटफुल हूं तो उस साइड पे उसका उल्टा आएगा। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज खुशनुमा, प्लेजेंट वेदर हो सकता है, प्लेजेंट पर्सन भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। रिग्रेट पछताना, अनसर्टन डाउट में होना, उल्टा वर्ड लगाना है। कन्विंस मतलब तुम कन्विंस्ड लग रहे हो, मुझे उसकी स्टोरी पसंद है हालांकि तुम कन्विंस्ड लग रहे हो, मतलब तुम मान चुके हो उसकी बात को जो भी उसने बताया। सीमा हैज अ डोमिनेटिंग नेचर, सीमा का बड़ा ही एक डोमिनेटिंग नेचर है, वो चाहती है कि हर चीज, वो शी वॉन्ट्स टू डैश, वो हर चीज का, अपनी लाइफ में हर चीज का डैश लेना चाहती है। क्या करना चाहती है जी, कीप कंट्रोल, वो अपनी लाइफ में हर चीज का कंट्रोल लेना चाहती है। अब आपने एक वो न्यूज़ सुनी होगी, एक बैंगलोर का वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी वाइफ ने रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस में, पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाई कि भैया मेरा पति लापता है, पुलिस काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। 15 दिन बाद भाई साहब नोएडा के मॉल से बाहर निकलते हुए नजर आए। उसे पूछा गया, भैया क्यों, क्या चक्कर है, वापिस चला जा, कहता जेल में डाल दो, वापिस ना जाऊँ। बहुत कंट्रोलिंग है वाइफ, हर चीज़ में कंट्रोल चलाती है। खाना खाते हुए चावल का दाना भी अगर एक साइड पे गिर जाए, इस बात पर डांट मार देती है।
अगर मेरा किसी दिन मन है मैं अकेले कहीं जाके चाय पी के आना चाहता हूँ, उस बात पे भी सुना देती है। तो बीवी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कीप कंट्रोल, के वापस नहीं जाऊँगा, चाहे जेल में डाल दो। बेचारे पुरुष किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। आई डोंट लाइक डर्टी कार्स, मुझे गंदी गाड़ियाँ पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे डैश रखना चाहिए, सिमिलर रखना चाहिए, किसी के जैसा रखना चाहिए, न्यू रखना चाहिए, शैबी मतलब होता है जिस गंदा कह सकते हो, अस्त व्यस्त हो चीज़ें, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब बिल्कुल नया, चमकदार, बिल्कुल धुला हुआ, तैयार। ऑब्वियस बात है, देखो नई तो हर रोज नहीं रख पाएगा, स्पॉटलेस रख सकता है। मुझे गंदी गाड़ियाँ पसंद नहीं है, इसलिए धुल उल के बिल्कुल साफ इसको रखा करो। स्पॉट माने होता दाग धब्बा, स्पॉटलेस जिस पे कोई दाग धब्बा ना हो, साफ हो। ही हैज डैश विजन, उसकी डैश विजन है उसकी इलनेस की वजह से, उसकी डैश विजन है उसकी इलनेस की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, अनफोकस्ड विजन है, फोकस नहीं है, फेडेड विजन है, धुंधली विजन है, ब्लर्ड विजन है। अब फेड वर्ड यूज होता है जैसे कोई चीज फेड हो गई, रंग फेड हो गया, जैसे आपने सुना होगा कपड़ा जो है उसका रंग उतर जाए, हल्का हो जाए। विजन के लिए जब आप आंखों के विजन की बात करोगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड इसमें से यूज करते हो, ब्लर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्लर्ड विजन है उसकी। ऑब्स्क्योर अगर एडजेक्टिव होता है, ऑब्स्क्योर अगर एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में ज्यादा लोगों को ना पता हो। ऑब्स्क्योर अगर वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छुपा लेना, कंसील करना। टॉम जो है वो कोशिश कर रहा है जितना जल्दी हो सके, क्या करे, एक्सपीरियंस अ जॉब, रिसीव अ जॉब, गेट अ जॉब, लर्न अ जॉब। यू शुड गेट अ जॉब, ट्राइंग टू गेट अ जॉब, जॉब के लिए क्या वर्ब यूज करोगे, ट्राइंग टू गेट अ जॉब। कल रात को उसने पिज्जा खाया और बर्गर खा गया, है ना। अब ये दो चीजें खाई गई हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो एट से बनाओगे ये दोनों तो निकाल दूं, ठीक है। अब दो बार एट, एट एट दिस एंड एट दिस, बर्गर्स लिखा हुआ प्लूरल किया हुआ है तो ये दोनों चीजें तो एंड से जुड़ी जाती ना, दो बार वर्ब क्यों लगाते। तो यहां पे आएगा उसने खा लिया पिज्जा और आठ बर्गर। अगर किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर, हो सकता है कि यहाँ पे सर जैसे बर्गर से पहले आपने एट लगाया, पिज्जा से पहले कुछ नहीं आएगा, पिज्जा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से चल जाता है भाई। आप पिज्जा भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी आई एट पिज्जा भी चलेगा, आप गूगल करके देख लेना, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से चलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर टुकड़ा खाते तो स्लाइस ऑफ पिज्जा बोलते हैं अपन, है ना। तो पिज्जा से पहले कोई आर्टिकल लगाना जरूरी नहीं है, अ पिज्जा लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो गलत नहीं, दोनों तरीके से चलता है, आप गूगल करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। उज्जवल को जेल हो गई, उज्जवल को जेल में डाल दिया गया क्राइम को डैश करने के लिए। अब फिर वही बात, ही डिड अ क्राइम, ही मेड अ क्राइम, कि ही कमिटेड अ क्राइम। क्राइम करने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है इनमें से, ही कमिटेड अ क्राइम। तो ऐसी चीजें कहां से पता चलेंगी, मेक अ विश, क्रैक अ जोक, है ना, मेड अ मिस्टेक, कमिट अ क्राइम, रीडिंग से। ताजमहल जाने का जो रोड है वो एक जंगल से होके गुजरता है। अब इस रोड को स्पेसिफिक कर दिया, कहाँ जाने का रोड, ताजमहल जाने का रोड, हाँ कि ना। जो ताजमहल जाने का रोड है वो जंगल से होके गुजरता है, तो यहाँ पे ताजमहल वाला जो रोड है इसको तो द आर्टिकल से बनाना चाहिए। तो ऐसा अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो जो ताजमहल जाने वाला रोड है ना वो एक जंगल से होके गुजरता है, ऐसे मीनिंग आएगा इसका। हर फादर, उसके पिता ने उसको डैश कर दिया केमिस्ट्री लेने के लिए फाइनल ईयर में। ये वाला जो अलाउड होता है इसका मतलब होता है जोर से बोलना, प्लीज स्पीक अलाउड, थोड़ा जोर से बोलो, ठीक। अलाउ कर दिया केमिस्ट्री, ऑप्ट फॉर अ केमिस्ट्री कोर्स। ये वाला जो कोर्स होता है ये तो आपका जैसे अपन कोर्स कंप्लीट कर लो, ये वाला कोर्स माने होता खुरदुरा।
प्लीज डैश और शुगर डाल दो जूस में, और शुगर डाल दो, इसको जहर बना दो एकदम, जूस पीने की जरूरत क्या अगर चीनी डाल डाल के पीनी है। ठीक, लेकिन ज्यादातर जूस की दुकानों पे ऐसे साइड से चीनी ऐसे ठोक देते हैं ताकि सामने वाले को पीने मजा आए या रोज आए। तो ये एडवर्टीजमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कई बार अपन ऐड। एड होती है मदद, ये वाला ऐड है किसी चीज में कोई चीज डालना, एडिशन करना। ये वाला जो एड है इसका मतलब होता है सहायक। तो यहां पे अपने को क्या है, ये वाला शुगर और डलवानी है। बस यहां तक, इतनी वीडियो का यहां तक पहुंच गए तो वो 5 मिनट और, बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। गार्ड नहीं चाहता था कि कुछ भी बुरा हो, इसलिए उसने ऑर्डर किया ग्रुप को कि वो पीछे हट जाएं टू अवॉइड एनीथिंग डैश। ठीक है, गार्ड नहीं चाहता था कि कुछ भी बुरा हो, इसलिए उसने ग्रुप को ऑर्डर किया कि वो पीछे हट जाए टू अवॉइड एनीथिंग, कोई भी डैश चीज को अवॉइड करने के लिए। हैबिचुअल चीज का अवॉइड करने के लिए, डिप्लोमेटिक चीज को अवॉइड करने के लिए, कस्टमरी जो आप रोज करते हो ऐसी चीज को कि टेरिबल, कुछ गलत चीज को अवॉइड करने के लिए। एक ही वर्ड है नेगेटिव, टेरिबल चीज को अवॉइड करने के लिए। तुम देर थोड़ी देर वेट करो लॉबी में, मैं आता हूं वापस। क्विक फूड करके, फास्ट शावर करके, फास्ट मील करके, अब फिर वही वाली बात। अब फास्ट शावर की क्विक शावर, हाँ जी, कौन सा वर्ड यूज होता है, अब क्विक शावर लेके आता हूं मैं कि फास्ट शावर लेके आता हूं मैं। अब तुम फिर कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, भैया रीडिंग कर। ठीक है, एक क्विक शावर लेके आता हूं मैं। आई डैश दैट आई सॉरी ही हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डैश, मैंने ऐसा सुना है कि वो प्रमोट हो गया इस पोस्ट के लिए। ये वाला हर्ड का तो मतलब झुंड होता है, हाँ कि ना, ये तो भेड़ बकरियों और इनके झुंड के लिए लगाते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है। ये वाला सीलिंग माने छत होता है, ये वाला सीलिंग माने जिसके पास कोई पावर हो सील वगैरह करने की, ये पोस्ट का नाम है बेसिकली। आई वॉज अगे इट वॉज अगेंस्ट हर, ये उसके डैश के खिलाफ थी कि ज्यादा पैसे कमाना जो डिसाइड किए गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितने पैसे डिसाइड करे हैं उससे ज्यादा पैसे कमाना उसके डैश के खिलाफ था। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला प्रिंसिपल तो वो वाला प्रिंसिपल होता है, स्कूल वाला प्रिंसिपल वो उसके प्रिंसिपल के खिलाफ था, तो इनको तो रेस से बाहर निकाल दें। अच्छा, ये वाला प्रिंसिपल ठीक है, जो ज्यादा पैसे सॉरी पैसे नहीं, ये उसके उसूलों के खिलाफ था कि वो ज्यादा डैश कमाए। अब ये वाला प्रॉफिट तो जैसे वो आपने सुना होगा है ना, प्रॉफिट जो मुस्लिम्स बेसिकली जिनकी प्रेयर करते हैं प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट है ये। तो अब यहां पे अपने को क्या लिखना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ये बनेगा जी ऑप्शन। द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम ऑडियंस, ये अभी थोड़ी देर पहले तो किया अपन ने, आर्टिस्ट को वही वाला क्राउड ने क्या दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, तो जस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज मिला। चलो जी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों का एक भी मिनट खराब ना करूं। ठीक, 79 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं 69 मिनट्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, आपको CHSL की वो कैब चाहिए कि अच्छा, आपको CHSL के क्लोज टेस्ट वगैरह चाहिए, CPO के एरर चाहिए, क्या चाहिए, ठीक, वो कमेंट करके बताना। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है जी, अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये रहेगी आपकी, आपको क्रीम कंटेंट मिले बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना मतलब की बातों को अवॉइड करते हुए। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।